सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। प्रदीप जी, राम राम जी, यूनिक जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया। आपका सभी का स्नेह मेरे साथ में, आप सभी की ताकत मेरे साथ में है, तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पुनीत जी, संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सभी का। तो दोस्तों, 23 जून पास में आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को बस अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है और बिल्कुल तैयार रहना भी है, बिल्कुल तैयार रहना भी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस सेशन में हम जो भी क्वेश्चन लेंगे वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कुछ डाउट क्वेश्चन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट फेज से हैं, तो दोस्तों ये आप लोगों के पास में मौका है कि कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है कि मैम हमें ये लग रहा है, हमें लग रहा है ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसको इसकी पुष्टि हम कैसे करें कि ये सही है कि ये गलत है, तो उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिक्कत आ रही है, उम्मीद क्लासेस पे आप अपना प्रश्न दे सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा एक मौका है, अवसर है। देसी कलाकार जी, शिक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। 7 बजे अपने उम्मीद लो क्लासेस पे क्लास होती है दोस्तों, तो वहां पर भी आप जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए सभी रेडी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पुनीत सैनी जी, मैम 23 जून आ रही है और डर तो डर जाओ। अरे भाई डर क्यों जाओ, डरना ही नहीं है आपका। आप ये सोचो ना, 23 जून को आप अपने आप को साबित कर पाएंगे, और अगर डर डर के रहोगे तो क्या खास जिंदगी जियोगे? तो डरेंगे तो मरेंगे भाई। डरोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर बिल्कुल धैर्य से, तसल्ली से, धैर्य पहला शब्द मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि धैर्य होगा तो गलती नहीं होगी, क्योंकि डर रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में टिक कर देंगे, गोला गलत भर देंगे, ऊपर का नीचे, दो क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाते हैं कि सही आते हुए गोला गलत। तो आपको इसीलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है धैर्य की, और अपने स्वास्थ्य का आप लोग सभी ध्यान रखें, अच्छे से सभी प्रश्नों को आप करें। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम है, और पहले ही मैं बता दूं, एग्जाम में जाने से पहले वो पहले ही बोलते हैं ड्रेस कोड में जाना है, तो ड्रेस कोड आप अपना रखें। कुछ भी चीज, जितनी महिलाएं हैं वो सुन लीजिए कि कोई भी आपको ऐसा ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहन के जानी है। ठीक है, जो आपको दिए हुए हैं वो सभी, कोई चैन, कोई बटन, मतलब सिंपल आपको सॉबर होकर के जाना है वहां पर। ठीक है, ताकि आपको व्यवधान नहीं हो। भाई एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं तो वहां पे रोक लेते हैं, फिर हमें टेंशन हो जाती है कि भाई क्या करें, या साथ में आप किसी को लेकर के जाएं। अनीता जी, प्रदीप जी, चलिए स्टार्ट कर दिए आंसर देना, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, लेखक से लिखा नहीं जाता, लेखक से लिखा नहीं जाता दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे होंगे। महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। ये डाउट वाला क्वेश्चन मेरे पास में आया था दोस्तों, लेखक से लिखा नहीं जाता, महिला से लिखा नहीं जाता, क्रिया नहीं बदल रही, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि लिखा नहीं जाता तो क्या लिखना आपकी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो क्या भाववाच्य उचित होगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा, यहां पर कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखा नहीं जाता। पत्र नहीं लिखा जाता है ना, लेख नहीं लिखा जाता, कहानी नहीं लिखी जाती, कुछ ना कुछ तो होगा। यहां पर आपका अप्रत्यक्ष कर्म है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं आप लोगों को? ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बच्चे यहां पर भाववाच्य लगा देते हैं, क्योंकि यहां पर कर्ता दिया हुआ है, इधर आपकी क्रिया दी हुई है। दोस्तों ये प्रश्न आपको परेशान करने वाले, तो इनका निवारण आप पहले करो। क्या समझ में आ गया? पूजा सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। क्या समझ में आ गया? थम्स अप कर दीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया है। दोस्तों क्रिया यहाँ पर सकर्मक है। अगर मैं यहाँ पर लिखती कि लेखक से चढ़ा नहीं जाता,
है ना। तो फिर आप लोग क्या बोलते हो, या लेखक से चला नहीं जाता, मैं ये भी लिख देती तो भाव अच्छे हो जाती। समझ में आ गया? आपको क्रिया पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, जबकि यहाँ पर ये जो है सकर्मक क्रिया है, इसीलिए भाववाच्य का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो थम्सअप होता है, मेरे में डबल एनर्जी लेकर के आ जाता है दोस्तों। अनीता जी बहुत बढ़िया, प्रदीप जी वेरी गुड, महिमा जी चलिए क्लियर है, पुनीत जी बहुत बढ़िया, संगीता जी वेरी गुड। कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है दोस्त? कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक जो शब्द है वो कौन सा है? मंत्री मंडल, मंत्री दल, मंत्री समूह, या मंत्री संघ? बताइए दोस्तों। जो है उससे शुरू करे, जहां है वहां से शुरू करे। परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। सही बात है। तो आप लोग ये मत सोचो ये मौका कल आता, जल्दी वैकेंसी दे दी, हमको टाइम कम मिला, ये सब भाई बहाने हैं, क्योंकि असली तैयारी तो पहले से ही शुरू हो जाती है। वास्तव में आप नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयार हो, क्योंकि कितना समय मिले कोई पता नहीं है, इससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा। सेकंड में आप बता रहे हैं ए, अनीता जी बता रहे हैं ए, प्रदीप जी ए बता रहे हैं। अब देखो, बाकी तो ये आपके कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। सही विकल्प आपका मंत्रिमंडल हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया है? सभी को समझ में आ गया है तो बहुत बहुत बढ़िया है। ए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, राम जी बहुत अच्छा लिखते हैं, चलिए। हाँ जी, तो देखिए एडवोकेट विनी जी, ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आंखें तरेरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो आंखें तरेरना क्रोधित होना, देखने को इच्छुक होना, क्रोध करना, या उत्सुकता से घूरना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर? तो देखिए, क्रोधित होगे तो क्या हो जाती है? आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, ठीक है? तरेरना नहीं होगा, आंखें लाल होना, ठीक है? तो क्रोधित होना अलग है और क्रोधित करना अलग है, इसीलिए मैंने उसका भी लिख दिया है। आंखें तरेरना, आंखें से बाहर निकल के ऐसे से हिलती है ना, उसका मतलब है क्रोध करना, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से बुद्धि भी भ्रष्ट होती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ए नहीं आएगा, सी आएगा। हाँ, उत्सुकता से घूरना नहीं होगा, क्रोध करना होगा, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जो शीर्ण हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो खंड, अखंडित, अशय, अखंडनीय, अटूट। तो अटूट, जैसा हम दोनों का विश्वास है, हमारा उम्मीद क्लासेस और आप सभी का जो विश्वास है वो कैसा है? अटूट है। जो टूट ना सके वो क्या होता है? अटूट होता है दोस्तों। अखंडनीय, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडित, जिसके टुकड़े न हो। अखंडित और अक्षय, अक्षय यानी कि जिसका जो क्षीण ना हो सके, अक्षय, और क्षय क्या हो जाएगा? जो क्षीण हो सके। सही विकल्प आपका बी हो जाएगा, वेरी गुड। फोर्थ में प्रदीप जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, नहीं राम जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर अनीता जी भी हैं फोर्थ में भी, वेरी गुड। राम जी, प्रदीप जी, अनीता जी बहुत बढ़िया, महिमा जी, पूजा जी, विक्रम जी बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी भी मैंने आपको वन वर्ड बता दिए हैं, ठीक है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, परीक्षा में बैठते हो तो ऐसे बोलते हो ना, तेरे को कुछ याद आया क्या? तेरे से कुछ नहीं होगा, कहिए मुझसे क्या काम है। तो देखिए दोस्तों, बताइए कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है? बाकी अशुद्ध है, एक शुद्ध वाक्य है।
हाँ, मीन अक्षय कुमार, जिसका शय नहीं हो सकता, अक्षय होता है दोस्तों। ठीक है, हमें शब्दों से मतलब है। चलिए देखो, ये याद करने का अलग अलग तरीका है सभी का। तो देखिए, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, तो देखिए दोस्तों, मेरे को कुछ नहीं होता, तेरे को गलत है और तेरे से। ठीक है, मेरे को नहीं होगा, मुझसे, मुझे होगा यहाँ पे, मेरे को नहीं, मुझे, ये होगा तुझे, और ये होगा तुझसे, तेरे से नहीं होगा। बोलने में तो ऐसे बोलते हैं ना, तेरे से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, तुझसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, कहिए मुझसे क्या काम है। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राम जी, प्रदीप जी, अनीता जी, विक्रम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये, मुझसे सही है, बिल्कुल मुझसे सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, पांचवें प्रश्न में बिल्कुल आपका डी विकल्प सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तेरे को, मेरे को, तेरे से, मेरे से, तुम्हारे से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, चलिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, ये आप लोग बताएंगे, बहुत बार कर चुके हैं। शुद्ध शब्द, दुर्वस्था, गत्यावरोध, अनाधिकार या अत्यधिक, बताइए दोस्तों, शुद्ध शब्द बताना है। हाँ, शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। पूजा सोनी जी, ओके, यूनिक जी डी बता रहे हैं। नंबरिंग आप डालिए, नंबर डालिए आप, है ना, प्रश्न की संख्या डालिए कि इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ताकि भाई सही दे रहे हैं तो शाबाशी भी तो मिले और कॉन्फिडेंस आपका क्या हो, आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, दुर्वस्था, तो किससे बना है दुर्वस्था, दु है धन, अवस्था से बना है, तो दुर्वस्था हो गया है। गत्यावरोध, गति धन है, अवरोध से बना है दोस्तों। अनाधिकार, अनधन, अधिकार, अत्यधिक, अति धन, अधिक। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपका सही विकल्प, देखते हैं किसने आंसर दिया है। बी भी बता रहे हैं, सिक्स्थ में बी, ए और बी में बड़ी बड़ा झगड़ा हो रहा है, ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो अशुद्ध है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अंधिकार, क्या हो जाएगा, अंधिकार हो जाएगा, क्योंकि इस ने में ए जुड़ेगा, तो ये आ की मात्रा कहां से आई, आ की मात्रा कहां से आई, तो अंधिकार होगा, क्या हो जाएगा, अंधिकार हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए, अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होगा, अत्यधिक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से निकलेगा, तय में से निकलेगा ई, ई का हो जाएगा आधा, यह में अ जुड़ेगा, तो आ कैसे आ जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा इसमें। अब देखो, गति धन अवरोध, इसमें भी इसी तरह से है, यहां पर तय में से निकलेगी ई, इस ई का यह हो जाएगा और ये इसमें जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, गत्यावरोध नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गत्यावरोध हो जाए गा। ठीक है, गत्यावरोध हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प आपका पहला हो जाएगा, सही विकल्प बिल्कुल ए जिन्होंने आंसर दिया है, पुनीत जी, अनीता जी, वेरी गुड इवनिंग, रजनी सेठी जी। तो देखो, दिखने में कैसे लग रहे हैं सभी, ऐसा लगता है कि हमें आता भी है, बहुत बार आपने इन शब्दों को देखा है, लेकिन कंफ्यूजन फिर यहीं पे होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, तो जिसने भी भेजा है समझ में आ गया होगा, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या आप लोग भी प्रश्न भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, तो थम्सअप कीजिए कि हाँ मैम भेज रहे हैं हम। हाँ जी, ए बिल्कुल सही है, रजनी जी बहुत बढ़िया, पुनीत जी वेरी गुड, अनीता जी बहुत बढ़िया, हाँ, गत्यावरोध राम जी बहुत बढ़िया। चलिए, ज्वलन शब्द का उचित विलोम होगा, ज्वलन का उचित विलोम क्या होगा, तम का क्या होगा दोस्तों, विलोम ज्योति होता है, क्या होता है, ज्योति होता है, तम का क्या हो जाएगा, ज्योति होगा, भाटा का क्या हो जाता है, ज्वार हो जाता है, भाटा का क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, तमो में तो क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय,
क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ज्वलन का शमन हो जाएगा, ठीक है, ज्वलन का क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे अब पहले, हाँ यही बात है, यही तो ट्रिक जानने की है, क्योंकि शुद्धिकरण में जब आप जैसे ही ये संधि विच्छेद कर लिया, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। आगे देखिए, ये शमन हो गया है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। राम जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। अनीता जी, वेरी गुड। विक्रम जी, महिमा जी, रजनी जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने ऐसे प्रश्न भी रख दिए जाते हैं, जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द नारी के पर्यायवाची हैं, किसके नारी के पर्यायवाची हैं वो आपको बताना है। कामिनी, वामा, अबला, भामिनी, दारा, आर्या, कलत्र, गृहिणी, रजनी, निशि, यामिनी, शपा, गिरिजा, शैलजा, दुर्गा या शिवानी। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें आपका सही विकल्प, बताइए, देखते हैं कौन बता पाता है। क्या आपको समझ में आ रहे हैं सभी प्रश्न भी, और आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, ये नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, आठवें में आप बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, और बताइए, राम जी ये बता रहे हैं, पुनीत जी ये बता रहे हैं, महिमा जी ये बता रहे हैं, संगीता जी ए बता रहे हैं। चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा सही विकल्प। देखो दोस्तों, मैंने आपको नारी के पर्यायवाची तो बहुत बताए हैं कि नारी हो गई, और नारी के हर एक पर्यायवाची में जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर आएगा हमेशा। तो देखो, कामिनी ई की मात्रा, वामा, अबला, भामिनी, स्त्री, ठीक है, ये सभी आपके नारी के ही पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैम, हमें और भी तो जानने हैं। हाँ, आरजेएस का पेपर इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन देखो दोस्तों, ये है कि आपसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सीधा सीधा प्रश्न जो आपने बहुत प्रीवियस ईयर में पढ़ भी लिया है उसी को घुमा करके दे देगा, इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर, और जो हम लिखने वाले हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजनी, निशि, यामिनी, शपा, ये रात्रि के होते हैं, किसके होते हैं, रात्रि के होते हैं। दारा, भार्य, कलत्र, गृहिणी, ये किसके होते हैं दोस्तों, ये पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। तो ध्यान रखना, नारी और पत्नी, स्त्री और पत्नी का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो गिरिजा, शैलजा, शिवानी, दुर्गा, ये किसके हैं, ये पार्वती के हैं। तो दोस्तों, ये दोनों तो आपको परेशान नहीं करेंगे, पार्वती और रात्रि, दिक्कत इन दोनों में है। तो इन दोनों के आपको अच्छे से पर्यायवाची आने चाहिए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। चलिए तो देखिए, यहां पर आपका किस विकल्प में सभी नारी के पर्यायवाची थे, तो ये आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। यहां पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग बताइए। हाँ, शैलजा पार्वती जी को कहते हैं, बिल्कुल सही है, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, सुनील और सुशील बैंक गए, किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है, ये आप लोगों को बताना है। माँ पार्वती, हाँ जी बताइए, संयुक्त है, सरल है, मिश्रित है, उपयुक्त में से कोई नहीं, देखते हैं कौन बता पाता है। दिखने में सवाल आपके बहुत सरल दिखेंगे, लेकिन कैसे होते हैं देखो मैम। स्त्री नहीं, राइट द कंफ्यूजन, क्या बोल रहे हैं, राइट था, स्त्री नहीं, राइट था। क्या होगा, संयुक्त वाक्य बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सरल, संयुक्त, संयुक्त, सरल, सरल, संयुक्त, यही बता रहे हैं अथर्व जी, सरल बता रहे हैं रजनी जी, संयुक्त बता रहे हैं। क्यों दोस्तों, संयुक्त नहीं होगा क्या, हमने पढ़ा है ना, कोई और आ जाए तो संयुक्त होगा,
पढ़ा है ना। तो देखिए अब यहाँ पर है जानने की बात कि ये आपका जो वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल दो उद्देश्यों को मिलाने का कार्य हो रहा है, दो कर्ता को मिलाने का कार्य हो रहा है। तो ये तो आपका और जो है, अच्छा ये बताइए ये और यहाँ पर है क्या, बताइए ये और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये समुच्चय बोधक है। क्या है? समुच्चय बोधक है, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। ऐसा भी पूछ सकता है, हाँ कर्ता दो है विधेय एक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया राम जी, बहुत बढ़िया। और ये और यहाँ पर समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है, ठीक है। दो आपके जो कर्ता है उनको मिलाने का कार्य करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, सुनील और सुशील, ठीक है। तो ये आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा। अब इतना डीपली पढ़ते तो फिर दिक्कत नहीं होती। अब जिन्होंने संयुक्त कराए क्या समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ बट मैम कर्ता दो है, अरे कर्ता दो है तभी तो बता रही हूं मैं, लेकिन क्रिया अगर दो हो जाती और दोनों क्रियाओं के बीच में और आ जाता कि सुनील खाया और सुशील गया, तो ये क्या हो जाता फिर आपका, ये आपका संयुक्त हो जाता, ठीक है। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। और ये और क्या है ये भी मैंने देखो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर दिया है कि भाई ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ समुच्चय बोधक। अब बताइए इनमें से एक पद में संधि और समास दोनों है। दोस्तों संधि भी है और समास भी है, दोनों की बात कर रहा है। मैम एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए अब, अरे वाह वाह अर्थव जी। चलिए देखिए, दिन रात, दिन और रात, ठीक है, पंचवटी, पांच वटों का समूह, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो क्या हो गया, चंद्रमुखी हो गया। इसमें आपका द्वंद समास हो गया है, यहां पर आपका द्विगु समास हो गया है, इसमें आपका कौन सा हो गया है, कर्मधारय समास हो गया है, ठीक है। लेकिन संधि क्या आपको लग रहा है, संधि देखिए क्या दिन रात में कोई संधि है, तो नहीं है, कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा, दिन प्लस रात थोड़ी करोगे, ठीक है। हाँ चलिए देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका सही विकल्प होगा, बहुत बढ़िया संदीप जी। देखो राम धन अनुज, राम धन अनुज, तो राम और अनुज, तो यहां पर ए और ए मिलके क्या बना, आ बना, क्या बना, आ बना, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर राम के अनुज है जो, कौन है, लक्ष्मण, ठीक है। वैसे तो भरत भी हो जाएगा, तो देखिए आपका लक्ष्मण हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आपका तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो गया और दीर्घ आपकी संधि हो गई, सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड अनीता जी, बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रतिभा जी, वेरी गुड महिमा जी, रजनी सेठी जी, यूनिक जी, राम जी, बहुत बढ़िया शिक्षा जी, बहुत बढ़िया, डी आपका विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों अभी भी बच्चों के फोन आ रहे थे, मैम हम क्या करें, हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने ऐसे नहीं किया, तो आप मात्र 699 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आपके 30 टेस्ट सीरीज दी हुई है दोस्तों, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको करवाया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, पैनल पीडीएफ के साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ जी चलिए आगे देखिए, मैम कोर्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी इजी होकर गलत हो जाते, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको दिखने में लगता है सारे आसान है। अब जैसे वो गत्या विरोध वाला अभी हमने प्रश्न किया, सारे शब्द आपके देखे हुए थे फिर भी गलती हो जाती,
ठीक है, तो उन गलतियों से बचने का प्रयास ही हमें करना है। बिल्कुल राम जी, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए, वो भी हो जाएंगे, है ना। हाँ वो भी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है ये। दोस्तों जब नहीं है आ जाए ना, इसको गोला लगा लेना कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि आप सभी कानून के ज्ञाता हैं और कानून के ज्ञाता आपको पता है कि बात ही शुरू नहीं से होती है। इंग्लिश में देख लो नथिंग, और हिंदी में देख लो किसी भी बात के होते हुए भी ऐसा नहीं होगा, है ना, आता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब बताइए यहाँ पे ऊहा पोह, तो ऊहा धन अपोह, ऊहा धन अपोह, तो ऊहा पोह हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल आपका सही संधि विच्छेद किया है। अब देखिए यहाँ पर अन्वीषण, तो अनुधन ईषण, अनुधन ईषण, इसमें कौन सी संधि हो गई है, यण स्वर संधि हो गई है। और यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो गई है दोस्तों, यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई है। ये दोनों तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए विवादास्पद, तो विवादन अस्पद, विवादन अस्पद, तो आस्पद क्या सही है क्या, तो देखिए विवाद धन आस्पद होता है। आस्पद का मतलब होता है कि आवास, क्या होता है, आवास होता है, आवास होता है दोस्तों आस्पद का मतलब, ठीक है। मतैक्य, मत धन एक्य, ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें आपकी कौन सी संधि है दोस्तों, वृद्धि संधि आपकी है, वृद्धि संधि आपकी दी हुई है। तो यहाँ पर आपका इसमें भी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, या आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो आपको देखो ये भी पूछ सकता था कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है, कैसे भी घुमा करके पूछ सकता था। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इलेवन में सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संदीप जी, प्रदीप जी बहुत बढ़िया, अनीता जी, रजनी जी, पूजा जी, पुनीत जी बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है दोस्तों, रहित है या उपसर्ग नहीं है, ऐसे आपको पूछ सकता है। रहित मतलब नहीं है, तो देखिए प्रत्येक है, अद्यतन है, परास्त है या व्याधि है। तो देखिए दोस्तों एक तो होता है आदि और एक होता है व्याधि, तो इन दोनों का भी अर्थ अभी बात करेंगे हम। प्रत्येक देखिए किससे बना है, तो प्रतिधनेक, तो यहां पर तो उपसर्ग है। अद्यतन, अद्य धन तन, ठीक है। परास्त, पर धन अस्त, परास्त हो गया, ठीक है। व्याधि, विधन आदि, विधन आदि। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपकी, यहां पर आपका सही विकल्प तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका यहां पर ये जो प्रति है ये भी उपसर्ग है, पर भी उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है, ये उपसर्ग आपका नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आदि और व्याधि पे हम बात कर लेते हैं। आदि तो होती है मानसिक पीड़ा, और व्याधि क्या होती है दोस्तों, शारीरिक पीड़ा। तो आदि और व्याधि दोनों से दूर रहना है आप लोगों को अभी, क्योंकि एग्जाम है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन दोनों ही व्याधियों से, आदियों से दूर रहना है। तो आपके यहाँ पे युग्म शब्द वियोग लगे हाथ, ऐसे ही आपके पूछे जाते हैं आगे पीछे कैसे भी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बारहवें में आपका डी कैसे होगा, बारहवें में तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अद्यतन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर आपका, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है बताइए दोस्तों, ज्ञानी, नानी, ध्यानी और प्राणी। तो बताइए दोस्तों प्राणी होता है, प्राणी होता है, और यहां पर आपका ज्ञानी भी होता है, प्राणी भी होता है, ज्ञानी भी होता है। तो नानी होता है क्या, नानी तो भाई होती है, और नानी तो हमारा सबका लाड़ करती है, नानी तो हमारा सबका ही लाड़ करती है, ठीक है। और ध्यानी भी, ध्यान लगाने वाले को क्या कहते हैं, ध्यानी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सभी
पुल्लिंग है। वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपको अपने आप वचन का पता चल जाएगा और अपने आप लिंग का पता चल जाएगा। तो सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा जी, बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत बढ़िया विक्रम सिंह जी, ईशा जी, महिमा जी, बहुत बढ़िया पुनीत जी, नानी बिल्कुल, रजनी सेठी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी छुट्टियां भी चल रही है बच्चों की, सभी की, कहाँ जाते हैं? मम्मी नानी के घर चलो। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये आरजेएस की टेस्ट सीरीज है, 230 में से 30 अंक आप लोगों को लेने हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं बेझिझक। अब तो आपकी स्पीड इतनी हो गई है, मैं आपको बता रही हूँ, और मैं पहले भी कहती थी कि जब एग्जाम होता है ना हमारा, एक दिन पहले हम पूरे 18 के 18 एक्ट पढ़ लेते हैं, पूरी हिंदी पूरी इंग्लिश कंप्लीट, कितनी कैपेसिटी है। अरे डेली अगर आप एग्जाम नहीं भी हो तब ये कैपेसिटी रखो, तो सोचिए आप कितनी रैंक के साथ में आ सकते हैं, रैंक बना सकते हैं आप, अगर आप इस तरीके से बाद में भी पढ़े तो। ठीक है, हाँ जी क्या बोल रहे हैं मैम, लेकिन एग्जाम में टाइम आदि ही रहता है। अरे भाई टाइम टाइम बिल्कुल आपको मानसिक पीड़ा देती है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और हमको लगता है कि क्या करें। मैम टेलीग्राम चैनल नहीं मिला आपका, दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के लिए उम्मीद लो क्लास, उम्मीद क्लासेस आप डालिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक भेज देंगे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है दोस्तों, हर चीज का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है भाई, सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है, दुख का एहसास नहीं होगा तो सुख का एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए दोस्तों भाववाचक संज्ञा को पहचानना है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा, तो देखिए गरीब में क्या जुड़ा, ई गरीबी, क्या जुड़ा गरीबी, विद्यालय विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, देवालय देवधन आलय, देवधन आलय। देखो मैं ये पोस्टमार्टम इसलिए करती हूँ, शब्दों का तार तार खोल दो कि आपके कोई भी शंका जो होती है ना, शंका जो होती है उसकी कोई भी सीमा नहीं रहे। ठीक है, दवाई दवा धन आई, तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा है तो गरीबी तो भाव होती है, गरीबी तो भाव होती है। ठीक है, हाँ वन मिनट दोस्तों, चलिए देखिए बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे देखिए शुद्ध शब्द बताना, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कुमुदिनी जानवी या ऋषिकेश या सशंकेत, बताइए दोस्तों क्या आपका सही विकल्प होगा। यही रात बाकी है, यही बात बाकी है कि मैम हमारा क्या होगा, यही आस हमारे अंदर बाकी है, तो उस आस को जगाए रखो, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव करने के लिए लोग हैं, अगर होना है तो बाहर निकलो और ऐसे बोलो कि मैं तैयारी कर रहा हूं, अपने आप नेगेटिव कर देंगे। हाँ पॉजिटिव वाले को ढूंढ के बताओ, मैम 15 में ए होना चाहिए, अब देखते हैं, देखो मजा बहुत आने वाला है, ये शब्द मेरे भी बहुत फेवरेट है, मैंने अपने फेवरेट शब्द डाले हैं इसमें, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है यहां से खेलता है हमसे, और हमको ऐसा लगता है कि ये सही है, ऐसे लगने में तो आपको दो ऑप्शन तो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी देखते हैं कौन देता है सही आंसर, देखते हैं। शुद्ध शब्द एक देखिए यहां लिख देती हूं ताकि आपको भी दिखे ना, कुमुदनी नहीं होता, आपको बताया था ये भी मैंने, क्या होता है कुमुदिनी होता है दोस्तों, एक छोटी एक बड़ी, बताया था छोटी बड़ी कुमुदिनी, तो ये आपका क्या हो गया गलत हो गया। आ गया हो जानवी, जिसका भी नाम जानवी और इस तरह से लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, या तो आप इस तरह से लिखो जानवी,
नहीं मैम, हम तो ऐसे नहीं लिखे, हम तो ऐसे नहीं लिखे, आप तो कोई दूसरा तरीका बताओ। तो दूसरा तरीका भी देखो, बिल्कुल इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है, जान। या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये नहीं आएगा बोलने में। तो ऐसे बोलते हैं ना, जानवी। अरे बोल कैसे रहे हो, जानवी है तो खाई गई, जानवी है। ऐसे बोलते हो क्या, जाहनवी? नहीं, जानवी, ठीक है। तो यहां पर आपका है हलंत आएगा, न पूरा आएगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मैम के हारे, अच्छा मन के हारे हार, मन के जीते जीत, बिल्कुल सही बात है। मन से हार गए तो पूरी दुनिया से हार जाओगे, और अगर मन से जीत गए तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश आप लोग गए हैं दोस्तों, तो देखिए क्या सही इसका ये होगा क्या। या ये सही है, ये सही है, कौन सा सही? देखो सशंकित जो है आपका, ये गलत है दोस्तों। लगने में तो लग रहा है मैम ये सही है, लेकिन ये भी गलत है। या तो होता है शंकित या होता है सशंक। क्या होता है? सशंक होता है दोस्तों। ये वाक्य शुद्धियों में भी आ जाते हैं, ध्यान रखना है इसका, आपके शब्द वर्तनी से संबंधित भी आ जाते हैं। तो दोस्तों अब देखो, मैंने किया था आप लोगों को भी एग्जामिनर की तरह कंफ्यूज, और आप हो गए। तो दोस्तों ये आपका गलत है, ऐसे ऋषिकेश नहीं लिखते हैं। मेरे लिखने का मतलब ये है, ये क्रॉस है ना, मेरा क्रॉस दिखे तुमको कि मैम ने क्रॉस लगाया था, ये तो 100% नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सही विकल्प ऋषिकेश जो है, इस तरह से लिखते हैं, 10 लोगों से लिखवा लेना, 90% ये लिखेंगे, 99.99% पर्सन लिखेंगे। 90 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 0.1% व्यक्ति है जो इसे लिखेंगे, ये अपना ऋषिकेश नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऋषिकेश आपका यही है, इसे ही बोलेंगे ऋषिकेश, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, दिमाग में बिठा लेना, 5 बार लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में अब ये इस बैच से आपने नहीं किया है तो आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए, और साथ ही साथ में अभी तुरंत बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट करिए, जरूर बताएं आपको ये सेशंस कैसे लगे, और मन में जो है हमारा जो भाव है किसके प्रति, एग्जाम के प्रति जो डर है वो निकल रहा है, और डर रहे हो तो मैं कह रही हूं मरोगे, डरोगे तो मरोगे। तो डरने से अच्छा है प्रैक्टिस करो और अपने आप पे विश्वास करो। थोड़ा सा सुबह सुबह उठ करके प्राकृतिक हवा में बैठे और अपना आत्मचिंतन करें, उसके बाद में आप देखिए क्या आप पे असर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।